क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो है जो लास्ट टॉपिक है उनके बेस उसके बेस पे एक एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली थ्योरेटिकली जो परसेंट ये लेना हमने उन्होंने कर पड़ी थी हमारे पास यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में हमारे पास डेटा दिया गया है कि हमारे पास अमाउंट ऑफ कॉपर कार्बोनेट जो है वो है 24.8 ग्राम 24.8 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे मोल पे 24.8 ग्राम को डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट पे इससे हो जाएगा हमारे पास जो मोल आएगा वो 0.2 मोल्स हमारे पास कॉपर कार्बोनेट जो मिला है एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ है वो हमारे पास है 13.9 ग्राम हमारे पास एक्चुअली रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है परसेंट ये वो हमसे वो हमने फाइंड करना है सोल्यूशन बैलेंस के लिए इक्वेशन हमारे पास ये है कॉपर कार्बोनेट जब हम इसको हीट करते हैं तो इससे क्या बनता है इससे बनता है कॉपर ऑक्साइड डिकम्पोज होता है कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अब हमारे पास बैलेंस के लिए इक्वेशन के बेस पे 1 मोल कॉपर कार्बोनेट जो है वो हमें देता है 1 मोल कॉपर ऑक्साइड इस तरह 0.2 मोल कॉपर कार्बोनेट जो है वो हमें देगा 0.2 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड अब मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड जो है इसको हमने फाइंड करना है तो मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड बराबर होगा मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास तो हमारे पास मोल जो है वो 0.2 मोल है और मास जो कॉपर ऑक्साइड का जो है मोलर मास वो है 18 इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो इससे आएगा 16 ग्राम तो ये हमारे पास हुआ मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड और थ्योरेटिकली मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड या हम चुके थे थ्योरेटिकली अब हमारे पास हमने फाइंड करना है परसेंट यील्ड तो परसेंट यील्ड बराबर होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड हमारे पास 13.9 है दिया गया है थ्योरेटिकल यील्ड वो 16 ग्राम है हमने 100 से इसका मल्टीप्लाई करना है तो इससे आ जाएगा हमारे पास 86.87% तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का जो है परसेंट यील्ड